लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। तो यार स्टोइसिज्म बोलता है कि जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो उसको आपको डिफरेंशिएट करना है उन चीजों से जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और इंसान को अपनी वैल्यू उन चीजों से निकालनी है जिन चीजों को वो इंसान कंट्रोल कर सकता है। अपने गोल्स की तरफ बढ़ना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया तो उस चीज पे रोना यूजलेस है। अब मेरे यूट्यूब वीडियोस बनाने को ही ले लो, सबसे पहले रिसर्च करके ये समझना पड़ता है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, फिर उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर शूट करना पड़ता है, फिर वो वीडियो एडिट होता है, फिर उसका टाइटल थंबनेल डिसाइड होता है, उसकी SEO मार्केटिंग होती है, और इतनी सारी चीजें करके फिर वो अपलोड बटन दबाया जाता है, और वो सारी चीजें जब तक कि वो पब्लिश वाला बटन नहीं दबाया जाता सब हमारे हाथ में है, लेकिन एक बार वो दबा दिया उसके बाद तो कुछ मेरे हाथ में नहीं है, उसके बाद तो सब YouTube के एल्गोरिदम के हाथ में है। और तब भी बहुत लोग जज करते हैं YouTube चैनल्स के सक्सेस को सिर्फ व्यूज के नंबर से या सब्सक्राइबर्स के नंबर से, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हम चाहे अभी 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे हो और बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत मिलियंस ऑफ फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी आप चाहे एंगेजमेंट रेट ले लो या फिर इंडस्ट्री के किसी भी इंसान से उठा के पूछ लो, अरे भाई YouTube ने हमें अपने ऑफिस में बुला के खुद ही बोल दिया कि आपकी ऑडियंस वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंसेस ऑफ इंडिया है। और स्टोइसिज्म यही कहता है कि आपको अपना सक्सेस उस चीज से जज करना चाहिए कि आपने कितने अच्छे से उस चीज पे काम किया, ना कि उसके रिजल्ट से, मतलब कि ट्रस्ट द प्रोसेस। अब हाँ, मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहा कि आप बस कुछ भी करके छोड़ दो बिना सोचे समझे और एक्सपेक्ट करो कि बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा। नहीं, अगर हमारे व्यूज गंदे आते हैं तो हम दुखी नहीं होते, बट हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उस पे व्यूज गंदे क्यों आए और नेक्स्ट टाइम उस चीज को इंप्रूव करके व्यूज ले आते हैं। अब आप ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो कि अपनी नौकरी में एक साल से बहुत मेहनत कर रहा है, या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट जो कि अपना फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट बना रहा है बहुत मेहनत से, तो अब उसे लगता है कि उसे प्रमोशन मिलना चाहिए या फिर ग्रेड अच्छा मिलना चाहिए, तो वो अपने बॉस या प्रोफेसर के पास जाता है अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेके, और बॉस मना कर देता है प्रमोशन के लिए या फिर प्रोफेसर मना कर देता है A+ देने के लिए। अब यार उसका रीजन ये भी हो सकता है ना कि कंपनी उस साल पैसे अच्छे नहीं कमा रही, या फिर किसी और इंसान ने तुमसे बेटर काम कर दिया होगा। ये रीजन तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम तब भी दुखी हो। और अगर तुम अपनी वैल्यू इस चीज से निकालते कि भाई तुमने कितनी शिद्दत से वो चीज बनाई है, तो तुम ज्यादा हैप्पी होते। तो फिर तुम्हारा पर्सपेक्टिव ये बन जाता ना कि जो तुम्हारा गोल था प्रमोट होने का या फिर A+ लाने का, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बस पोस्टपोन हो गया। और यही मेंटालिटी बनानी है। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।